हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और यही आवश्यकता की खोज मनुष्य को सूचनागार बना देती है। मनुष्य की प्रकृति जिज्ञासा वाली होती है जो इन्हें विभिन्न घटनाओं को समझने में एक प्रेरक का काम करता है, परंतु यह एक जोखिम भरा भी कार्य होता है। आपको हम यहाँ दुनिया के वैसे आविष्कारकों के नाम बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में अमर तो हो गए, परंतु उनके खुद का आविष्कार ही उनकी मौत का कारण बना। तो आइए जानते हैं वैसे आविष्कारकों के बारे में। पहले नंबर पे आते हैं सिल्वेस्टर एच रोपर। अमेरिकी आविष्कारक सिल्वेस्टर हावर्ड रोपर प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के अग्रणी निर्माता थे। 2002 में रापर को रापर स्टीम वेलो की पेड़ की खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रापर स्टीम वेलो की पेड़ की शुरुआती गति परीक्षण के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आविष्कारक आते हैं फ्रांज रे कॉलर्ट। फ्रांज रे कॉलर्ट को फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कोट पैराशूट का आविष्कार किया था, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए एफिल टावर से इन्होंने छलांग लगा दिया और पैराशूट ना खुलने की वजह से टावर के नज़दीक बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और तुरंत इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आविष्कारक हैं केरल सोसेक। केरल सोसेक ने साक अवशोषित बैरल को बनाया था। इसके परीक्षण के लिए इन्होंने नियागारा जलप्रपात से नियागारा नदी में लुढ़कने का करतब दिखाया। यह करतब दिखाने के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उस वक्त ये तो बच गए, लेकिन जब ये बाहर आए तो उनके नाक से खून बह रहा था। चिकित्सा परीक्षण के दौरान पता चला कि करतब दिखाने के दौरान इनके छाती और पेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी। इसी वजह से अस्पताल में निधन हो गया था इनका। नेक्स्ट आविष्कारक हैं होरेस लासन हनीली। होरेस ने दुनिया का पहला लड़ाकू पनडुब्बी बनाया था। दो असफल प्रयासों के बाद वह एक पनडुब्बी विकसित करने में सफल रहे, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी विकसित पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। 8 नवंबर 1863 को चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना में मैग्नोलिया कब्रिस्तान में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ इनको दफनाया गया और इनके सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका का उस दौर का सबसे प्रसिद्ध पनडुब्बी एचएल हनीली को इनके नाम पर रखा गया। नेक्स्ट आविष्कारक हैं मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एक भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थी और विश्व की पहली ऐसी महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग करने के लिए रेडियोधर्मिता और तकनीक के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने एक विधि का आविष्कार किया था जिससे रेडियोधर्मी के दो तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की जा सकती थी। शोध सामग्री से निकलने वाली विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण वह एप्लास्टिक एनीमिया के रोग से ग्रसित हुई, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आविष्कारक हैं हेनरी स्मोलिंस्की। हेनरी ने एक हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया जिसका नाम वीएच मिर्जार रखा, लेकिन विमान के परीक्षण की उड़ान के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आविष्कारक हैं साबिन अर्नोल्ड वान सोचाकी। इन्होंने रेडियम आधारित पेंट का आविष्कार किया था, लेकिन यह आविष्कार ही इनकी मृत्यु का कारण बना और रेडियोधर्मी सामग्री के संपर्क में आने के कारण एप्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई। वैसे दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ऐसे बहुत सारे आविष्कारक हैं जिनकी मृत्यु उनके ही आविष्कार के द्वारा हो गई थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।